त्योहारों से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का है गहरा नाता, जानिए क्या कहती हैं तारीखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और त्योहारों का गहरा नाता रहा है। इस बार भी दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होना है। विजयादशमी, दिवाली और छठ के जश्न के बीच नेता प्रचार करते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख को बदला है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन राज्य में मतदान होना था। देवउठनी एकादशी को विवाह अधिक होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखकर अब मतदान 25 नवंबर को होगा। भारत एक त्योहार प्रधान देश है, पूरे वर्ष भर किसी न किसी तिथि का एक विशेष महत्व है। आजादी के बाद ज्यादातर चुनाव फरवरी माह में हुए, तो उस माह में बसंत पंचमी या शिवरात्रि किसी न किसी तारीख को रहती ही है। यदि मार्च माह में हो तो होली, रंगपंचमी या लोहड़ी पर्व रहते हैं। जाहिर भारत की सांस्कृतिक विरासत इन पर्वों से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के चुनावों का भी त्योहारों से गहरा नाता रहा है। देश में चुनावों में धर्मगुरुओं के मठों पर मंदिरों में दर्शन को जाना और हवन पूजन करवाना हर उम्मीदवार चाहता है। बगुलामुखी नलखेड़ा हो या दतिया की पीताम्बरा पीठ, वहां नेताओं का जमावड़ा आरंभ हो गया है। नवरात्रि में गरबा हो या माता पूजन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार जुड़ा रहेगा और प्रचार करता रहेगा। यह एक फायदा होता है पर्वों का। विजयादशमी भी चुनाव से पूर्व है, इस बीच घर घर संपर्क करना एक तरह से विजयादशमी मिलन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों ने छठ पूजा का उल्लेख कर तारीखों में बदलाव की बात कही है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में यह कोई पहला मौका नहीं है जब त्योहार के वक्त चुनाव हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।